आज तो अली मेरे साथ रोजा अफ्तार कर रहे थे। ये शोर आहिस्ता आहिस्ता जो थोड़ा तो घर तो बहुत करीब था मेरे मौला का, तो जनाबे सैयदा के कानों में ये आवाज पड़ी। तो जनाबे फिजा ने ये हमको बताने के लिए, बीबी तो हर चीज जानती है, तो है ना, जनाबे सैयदा ने जनाबे अम्मा फिजा से कहा कि अम्मा फिजा बहन फिजा ये देखिए तो सही ये शोर वो कैसा है, तो माजरा क्या है। तो बीबी कहने लगी कि हर कोई कह रहा है कि अली ने हमारे साथ रोजा इफ्तार किया है, रसूल ने कह रहा हमने हमारे साथ रोजा इफ्तार किया है। तो बीबी ने कहा इन्हें तो पता ही नहीं है अली तो मेरे साथ रोजा इफ्तार कर रहे हैं। मैं बड़ी आयशा से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, इस मेहरबानी का कर रहा हूँ कि आप जोर से सुनिए। तो जो है ये शोर बर्बाद था अल्लाह ने मुहतरम के रसूल सैयदा की हवेली में तशरीफ। बीबी ने कहा कि आज तो बाहर अली अली हो रही है, आज तो हर जगह पे अली अली हो रही है, पूरी मस्जिद जो है वो तो अली अली के नारों से गूंज रही है, कोनों से आवाज आ रही है, दरवाजों से आवाज आ रही है, बाहर शहर से आवाज आ रही है, बैठे हो हर तरफ से अली अली की आवाज आ रही है, हर कोई कह रहा है कि हमारे साथ रोजा इफ्तार कर रहे हैं, हमारे साथ रोजा इफ्तार किया है, हमारे साथ किया है। अच्छा आदमी मोहतरम इतना कहना था, बीबी कहती है या रसूल अल्लाह अली मेरे साथ रोजा इफ्तार कर रहे थे, रसूल फरमाते दारा आपके साथ भी मेरे साथ भी कर रहे थे। ये दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे कि जनाबे जिब्राइल तशरीफ लाए, दोनों बाप बेटी बातें कर रहे थे कि जनाबे जिब्राइल तशरीफ लेकर आए, आवाज देकर कहा अल्लाह कह रहा है ऐ मेरे प्यारे मोहम्मद, ऐ मेरी सैयदा क्यों बहस कर रहे हो, अली तो यहाँ हमारे साथ आबाद और शाद रहो, मिलकर सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। कुरान को अगर समझ लिया जाता, कुरान को अगर समझ लिया जाता तो दुनिया इस दहेज के ना, आज दुनिया में कुरान की बेहुर्मती हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि कुरान के वारिसों को नहीं पहचाना। आज के दिन का बेहतरीन मैसेज यही है कि मुसलमानों आपस में इत्तेहाद रखो, मोहब्बत पैदा करो, कुरान को समझो, और जो है वारिसों ने कुरान को जानो। नबी ये मोहतरम ने भी 40 साल तक अपने किरदार से, अपने कौल से, अपनी मोहब्बत से, अमल से, और जो है क्यों 40 साल तक खामोश रहे, क्यों रहे? अजीजा ने मन की पढ़ी लिखी सी बात, किसान जमीन की तैयारी किए बगैर अगर बीज फेंक दे और चिड़िया चुप के चली जाए, चिड़िया चुप के चली जाए भाई, उससे पहले जमीन को तैयार करना पड़ेगा। 40 साल मेरा नबी अपने किरदार से समीम तैयार करता रहा, 40 साल तक मेरा नबी समीम तैयार करता रहा, ज़हनियत तलाश करता रहा, सोई हुई ज़हनियत को, इंसानियत को जगाता रहा मेरा नबी। अगर आते ही कुरान पढ़ देते, तवज्जो करना, आते ही कुरान पढ़ देते शायद नजस ज़हनियत का मालिक ये कह देता कि जैसे जैसे कुरान कहता गया वैसे वैसे मोहम्मद करते गए, जैसे जैसे कुरान कहता गया वैसे वैसे मोहम्मद करते गए। अब आगे कुदरत आई मेरा मोहम्मद, आते ही कुरान ना पढ़ना, आते ही कुरान ना पढ़ना, पहले कुरान पढ़ के दिखा, फिर कुरान पढ़ के सुना, पहले कुरान बन के दिखा फिर कुरान पढ़ के सुना।
पढ़ के सुना ताकि दुनिया को पता चले कि हम कुरान की पैरवी नहीं करते बल्कि कुरान हमारी पैरवी करता है। सुबह है मेरा मौला अली। अल्लाह कहता है मुझे अली तेरी सांसों की कसम, क्या कहने मेरे मौला है। कभी तो सूरज मेरे मोहम्मद को कहता है, कभी चांद मेरे अली को कहता है, बस शमसे बस सुहाहा, बस शमसे बस सुहाहा, बस शमसे जो है ना, ये आपकी मोहब्बत है जो मुझे बोलने पे मजबूर कर रही है, बस शमसे बस सुहाहा। अल्लाह कहता है तब मेरा रसूल नमाज के लिए साज धज के अल्लाह अकबर पर लैल की ज़ुल्फ़े बिछा के, अब मैंने देखा कि रसूल की शिकन ज़ुल्फ़ों की तावनाकियों पर लैलतुल कदर के अंधेरे निछावर हो रहे थे, अब मैंने देखा कि रसूल की कान शराफत के कान दिखाई दे रहे थे, अब मैंने देखा कि रसूल की आंखें पर अजल बसर की दुआएं दे रही थी, अब मैंने देखा कि रसूल के दांत मारजल बहरे में जंत की जान के चमकते हुए मोती दिखाई दे रहे थे। मेरा रसूल साज धज के जैसे ही नमाज के लिए निकला था कि जिब्रील आ गए, आकर कहने लगे वश्शम से वसुहाहा। अल्लाह कहता मुझे कसम है तेरे चेहरे की उसकी चमक की कसम, उसकी रोशनी की कसम। अभी रसूल को ये कह के जबरील गया ही था कि फौरन वापस आया आकर कहता है वल कमरे इजा तलाहा। मुझे कसम है, अल्लाह कहता है मुझे कसम है उस चांद की जो तेरे पीछे 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 अल्लाह अकबर तेरे पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही रसूल ने पीछे मुड़कर देखा हसनैन का बाबा बतूल का शौहर जो है ना तो यही चाहता है पढ़ता रहूं और सुबह का सूरज होते थक जाता है बंदा, अली का नाम थकावटें उतार देता जो मौसम के मिजाज को बदले शरीयत तवल्ला में उसे अली जो तो मरेगा तो पता चलेगा मैं यमुत जानी जो मरेगा वो मुझे देखेगा और देखेगा भी तो। ये मैं जुमला शायद मेरे जिंदगी में पहले ना कहा लेकिन मैंने पहले कहा कि आप दोस्तों की मोहब्बत और बुजुर्गों की वो मरेगा तो मुझे देखेगा। अच्छा देखेगा तो किससे देखेगा बोलना, आंखों से देखेगा। मैं बहुत करीब जा रहा हूँ आपके और मैं इस बात को डिफाइन करूंगा इंशाल्लाह वो इंसान की रूह के पास है आपके दिल के पास है। एक दो नजरें होती है, एक होती है नजर, एक होती है निगाह। एक होती है नजर, एक होती है निगाह। नजर का ताल्लुक यहाँ से, निगाह का ताल्लुक यहाँ से है। यहाँ से क्यों है? यहाँ के दिल के इसके चार तो खाने और तंदुरुस्त आदमी वो होता है जिसका एक मिनट में 72 मरतबा दिल धड़के
तंदुरुस्त आदमी, सेहतमंद आदमी वही होता है जिसका एक मिनट में 72 मरतबा दिल की धड़कन ये 72 मरतबा है तो इंसान सेहतमंद है। अगर ये ज्यादा या कम होगा तो लोग कहते हैं हार्ट बीट ज्यादा हो गई है, इसे डॉक्टर की जरूरत है, इसे इलाज की जरूरत है, इसे मेडिसिन की जरूरत है, इसे सीरम की जरूरत है, इसको इंजेक्शन की। तवज्जो फरमा रहे हो, ये 72 का जो तिलिस्म है वो क्या है? और पहले इसे समझिए, ये जो दिल 72 मरतबा धड़केगा तो सही होगा, ये दिल क्या है? दिल जिस्म के किसी भी हिस्से का कहना नहीं मानता। ये दिल जो है, दिल जो हुआ, दिल मानता नहीं है, इसको मनवाना पड़ता है। इसे मनवाना पड़ता है। क्यों? वजह, ये किसी का कहना नहीं मानता। अब मेरे रसूल की हदीस सुनना, याली अंता अंता कल्बुन, आप दिल है, ये दिल है वो आप है, जो ये दिल है वो आप है, और दिल पूरे बदन का इमाम होता है। बदन का इमाम होता है, यही वजह है कि दिल अल्लाह ने एक रखा है। दिल गुर्दे इंसान के कितने होते हैं? एक खत्म भी हो जाए तो फिर भी दूसरा काम करता है, लेकिन अगर दिल निकल जाए तो खत्म हो गए। क्यों? अल्लाह ने है ये इमाम है और अल्लाह ने इसे पर्दे में रखा है। अल्लाह ने इसे है ये इमाम और ये असल पावर किसी के पास है और अल्लाह ने इसे पर्दे में रखा है। मालूम हुआ जो पर्दे में है ना उसी के पास ही है ताकत। आपको मैं बाबा कह देता हूँ, अब जो पर्दे में है ना, जो पर्दे में है असल पावर उसके पास है, वही कायनात की असल धड़कन है। वही है असल कायनात की धड़कन, वही है असल कायनात की धड़कन। और इमाम किसी की बैयत नहीं करता। जुमला जो की तारीफ में नजर है, इमाम चूंकि इमाम होता है और ये जिस्म की जो आजा है ये उसकी रैयत है, उसकी रैयत है ये आजा। इमाम किसी की बैयत नहीं करता, इमाम किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। और अजीजा ने मान बात खत्म हो रही है कि 72 मर्तबा क्यों तड़पता है। 72 मर्तबा दिल चूके है शे अली।
अब मैं जुमला अदा कर रहा हूँ और आपकी नजर चल रहा हूँ और मेरे हक में दुआ जरूर करना। दिल चूके है आज फैसला हो रहा है आपको, दिल चूके है, इस पे मैं शेर चाहूंगा आपसे, दिल चूके है मेरा मौला अली, दिल चूके है मेरा मौला। बात दोस्तों, दिल चूके है मेरा मौला अली और ये दिल 72 मर्तबा धड़कता है, धड़कता है, क्यों धड़कता है इससे पूछते हैं, तू क्यों धड़कता है, हमें तो इल्म नहीं है, तू ही बता तू खुद क्यों धड़कता है और 72 मर्तबा ही सेहतमंद का दिल क्यों धड़कता है। दिल चूके है अली, मैं बहुत करीब आ रहा हूँ आपके, दिल चूके है अली और ये दिल 72 मर्तबा धड़कता है। आसान करूं, 7 और 2 को जमा करो तो 9 बनता है और 9 अदद मेरी बीबी का अदद है। अब समझे आप, समझे आप, दिल चूके है अली और धड़कता है सैयदा। मेरे मौला की धड़कन का नाम ही सैयदा। जब सैयदा रुखसत हुई है ना, लोग तो सर पे हाथ रखते हैं, अली ने दिल पे हाथ रखा। कायनात उजड़ गई होती अगर मेरा मौला मौजूद ना होता। अल्लाह अकबर, मौला आपको कोई गम ना दे, सवाए मजलूम करबला के, मौला आपकी इस इबादत को कबूल और मंजूर करे। सलामत, आज मेरा जी चाहता है ये करबला की एक छोटी बच्ची का जिक्र करूं। वक्त हो चुका है, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन क्या करें, ये रोने के दिन है। जो मजलिस में आते हैं वो हम मस्कीनों का फजाइल यहां पर सुनने के लिए नहीं आते, वो गुस्सा लेने के लिए, वो गुस्से के लिए आते हैं। जीजाने मौला आपको कोई गम न दे, सोए गमे मजलूम है करबला। मंजरे सौत पर थे मेरा मौला, कोई वक्त ऐसा नहीं था कि जब मेरे मौला आलिया के खैमे से दूर होते थे। मैंने पहले कहा था कि मैं कोशिश किया करूंगा कि कम से कम, बल्कि बहुत रात इस वक्त का नाम मुंबरों से नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसा वक्त नहीं था कि मौला आलिया के खैमे से दूर। एक मंजर ऐसी आई कि इमाम को सैयदा के खैमे से दूर पढ़ाओ, आवाज देकर कहा, अब्बास जी आजादी, क्या वजह है, मेरी आंखों को सुकून नहीं मिल रहा, मुझे मेरा भैया हुसैन नजर नहीं आता। सरकारे वफा ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मेरा मौला किसी को किसी के सलाम का जवाब दे रहा था। पहुंच गए वो, मौला तुम्हें सलामत रखे। सरकारे वफा जल्दी जल्दी आगे बढ़े, कदमों पे हाथ रखकर कहा, मौला ये किसके सलाम का जवाब दे रहे हैं और आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं। ज़हरा का लाल ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। सरकारे वफा का हाथ पकड़ा, खैमों से दूर ले गए। आवाज आती, मौला खैमों से दूर क्यों,
आवाज आती है इसलिए कि कहीं आलिया सुन ना ले। अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। अजादारा ने मजलूम में करबला आवाज आती है मुझे मुस्लिम ने सलाम किया था, मुझे मुस्लिम ने सलाम किया था। बोला फिर आपने कहा मैंने जवाब दिया है, देखना चाहोगे मुस्लिम को जी हमका क्यों नहीं। लेकिन अब्बास एक वादा कर, वादा कर तू कोई जिद नहीं करेगा। माला हुक्म हो गया, दोनों उंगलियां सैयद ने उठाई हैं। अजादारों एक ऐसा मंजर देखा अब्बास ने, सरकारे वफा से ऐसा मंजर देखा कि जमीन पर बैठ गए। सारो कतार अली का बेटा होया, आवाज देकर कहता है मौला मौला मां के जख्मी पहलू का वास्ता, हो सके तो। आवाज आती तुमने पहले कहा था अगर तू वादा ना करता तो जितनी बड़ी कसम दे रहा है मैं तुझे आनन फानन में पहुंचा देता, आंख झपकने से पहले पहुंचा देता। लेकिन अब्बास किस लिए जाना चाहता है। आवाज आती है मौला मौला मेरा मुस्लिम अकेला है, मौला देखिए ना चार जल्लाद हैं हर एक के हाथ में ताजियाना है, कोई मुस्लिम के सर पे मार रहा है, कोई पुश्त पे मार रहा है, कोई चेहरे पे मार रहा है। और अजादारों कुछ देर के बाद कोई ऐसा मंजर था कि अब्बास की चीख निकली, आवाज आती है हुसैन ने कहा क्या मंजर देख रहे हो। आवाज आती है मौला बार बार जल्लाद कहते हैं मुस्लिम से सर झुका और मेरा मुस्लिम कह रहा है ये सर या अल्लाह को झुकता है या हुसैन को झुकता ये सर ना अल्लाह को झुकेगा या हुसैन को झुकेगा। अजादारों जालिम जुल्म कर रहे हैं या अचानक मुस्लिम गिरा है, मुस्लिम के हाथ भी बांधे हुए हैं पांव भी बांधे हुए हैं। अजादारों या अचानक अब्बास ने रोकर कहा मौला मुझे जरा पहुंचा दो। कहा क्यों, कहा थोड़ी देर के बाद जल्लाद के हाथ में तलवार है, थोड़ी देर के बाद ये वार करेगा और मुस्लिम का सर कटकर दो मंजिला इमारत से नीचे गिरेगा। मैंने बोला मुझे इजाजत दे, मैं जाऊं और जाकर मुस्लिम का सर अपनी गोदी में ले सकूं। आवाज आती है हुसैन की, अब्बास अब तो तू ऊपर देख रहा है, अब जरा नीचे भी देख। अब जो नीचे देखा तो एक बीबी है जिसका पहलू पे हाथ है, रो रो के कह रही है आ मेरे मुस्लिम माँ तुझे लेने के लिए आ गई है। अजरकुम अल्लाह मौला आपको कोई गम ना दे, सोए हमें मजलूम में करबला के। अजादारों सुनो के जुमला, अजादारों या अचानक ईद का रोज था ना अगले दिन, ईद का अगला दिन था ना, हाँ दोनों बेटियों को इंतजार था कि शायद बाबा मेरे आएंगे। मुस्लिम की दोनों बेटियों को इंतजार था कि मेरे बाबा आएंगे। अजादारों दोनों आई हैं मामू हुसैन के पास, आकर कहती है मामू आज तो हमारे बाबा ने आना था ना, दोनों बेटियों को करीब बुलाया, हुसैन ने एक को दाएदानों पे बिठाया एक को बाएदानों पे बिठाया। अजादारों शफकत भरा हाथ कभी छोटी के सर पे रखते हैं, कभी बड़ी के सर पे रखते हैं, कभी माथा चूमते हैं, कभी छोटे छोटे हाथ चूमते हैं। अजादारों या अचानक हुसैन के सीने पर सोने वाली तस्कीने हुसैन तावीज़े हुसैन पहुंच तो गए हो ना, तावीज़े हुसैन आते आई आकर के मंजर देखा, आकर कहा बाबा आप तो मुझसे प्यार करते हैं, आज आप इनसे प्यार कर रहे। अजादारों हुसैन ने सकीना को इशारा किया, सकीना आप भी मेरे करीब आए। अजादारों सकीना वहां से उठी,
अम्मा के पास आई, आकर कहा अम्मा अम्मा देखिए ना आज मेरा बाबा चचा मुजरिम की बच्चियों से कितना प्यार कर रहे हैं। सकीना परेशान ना होना, तुम्हें पता नहीं है यतीम हो गई है। यतीमों के साथ ऊंची आवाज में नहीं बोला करते, यतीमों के साथ हमदर्दी करते हैं, यतीमों के साथ प्यार करते हैं, यतीमों को कभी भी छिड़कियां नहीं देते। अज़ादारों जनाबे सकीना के ये जहन में बैठ गया था कि जो यतीम होते हैं ना उन पर लोग जुल्म नहीं करते, जो यतीम होते हैं उन पर लोग सख्ती नहीं करते, जो यतीम होते हैं उन पर लोग छिड़कियां नहीं देते। अदादारों ये तो बैठ गया था, लेकिन अदादारों जब आई ना यारा मोहरत अजरकुम मिनल्लाह मौला तुम्हारी उठती हुई आवाजों पर रहम करे, लेकिन जब यारह मुहर्रम आई है ना अदादारो और जनाबे तस्कीन हुसैन को अदादारो ऊंट के साथ बांधना पड़ा, तो जनाबे तस्कीन हुसैन ने अदादारो बाबा की तरफ देख कर कहा बाबा आप तो कहते थे कि यतीमों के साथ लोग जुल्म नहीं करते, लेकिन बाबा मुझे कल से लेकर आज तक इतने तमाचे लगे हैं ना बाबा अजरकुम अल्लाह इतने तमाचे लगे हैं बाबा, मेरे चेहरे की रंगत तब्दील हो गई है बाबा, मुझे तमाचे मारे गए बाबा, मेरे कानों से गोशवारे उतारे गए बाबा, मेरे दामन में परवरदिगार हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। या इलाही आलमीन सबका मोहम्मद आल मोहम्मद की इज्जत और अजमत का वास्ता, इतने मोमिन और मोमिनात तशरीफ फरमा है मौला, उन तमाम की नेक दिली शरी हाजात को पूरा फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता गरीब करबला का, हमारी इन दुआओं को इमाम जमाना के नालैन के सदके में अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जत और अज़मत का वास्ता, मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा फरमा, गैब के खजानों से इनकी मदद फरमा। जो मोमिनीन और मोमिनात लीन हैं बीमार हैं मौला उन्हें सेहत और कामिल और आजिला अता फरमा, मेरी माएँ बहनें बेटियों की इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम मोमिनीन की बच्चियों के नसीब बेहतर से बेहतर बना। परवरदिगार आलम जिन जिन दोस्तों अजीजों ने माएँ बहनों ने दुआओं के लिए कहा है उनके हक में हमारी दुआएँ हैं, परवरदिगार उनकी तमाम तर परेशानियों दुखों तकलीफ़ों को दूर फरमा। मखसूसा ने दुआ के लिए कहा है मालिक सबका मोहम्मद वाले मोहम्मद की रोती हुई आंखों से दुआ करो मौला उसे सेहत का मिला हो हाजिर आता फरमा, उसके बच्चों को सेहत और सलामती जिंदगी अता फरमा। परवरदिगार आलम मोहम्मद आले मोहम्मद की इज्जत और अजमत का वास्ता, हमारे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पे आबाद और शान फरमा। परवरदिगार आलम हमारे जवानों को बेहतरीन फ्यूचर अता फरमा। बारगाह की तामीर में जितने दोस्तों बुजुर्गों ने हिस्सा लिया है मौला उनकी इस काविश और इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मोमिनाबाद के मातमी दस्ते की हिफाजत फरमा, शहर कोयटा के मातमी दस्तों की हिफाजत फरमा, जहाँ जहाँ भी आज़ादारी सैयद शबदा बरपा है तमाम अजा खानों की अजादारों की मोमिनीन और मोमिनात की मातमियों की हिफाज़त, मोमिनीन और मोमिनात बे औलाद हैं
सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज्जत और इज्जत का वास्ता उन्हें औलाद नरीना अता बच्चों का बड़ा और बड़ों का अदब करने की तौफीक अता बड़ों से बड़ों को छोटों से मोहब्बत करने की तौफीक अता औलाद को वालिदैन का एहतराम मोहब्बत से पेश आने की तौफीक अता परवरदिगार आलम पढ़ने वाले वारिस को इज़्ज़त ज़ुहूर अता परवरदिगार आलम हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तहक मिलकर दुआए इमाम ज़मान अजर अल्लाह तआला फरमाए بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل زمان وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وهينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها تبيرا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد نادي علي يوم مظهر الاجاعي تجده عونك في النوائي كل هم وغم سجل جدي بعظمتك يا الله يا الله يا الله جل جلاله ربي بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي بتاع أكبر